वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को दिखाने आ गई हूँ यहाँ का गणेश पंडाल जो बन रहा है कालीबाड़ी चौक में। और यहाँ का गणेश पंडाल बन रहा है टाइटेनिक स्टाइल में, तो यहाँ पे बड़ा सा जहाज वाला बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं गेट के पास खड़ी हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ अंदर। तो मैं चल के दिखाती हूँ आप लोग को अंदर कि यहाँ पे किस टाइप और क्या क्या लग रहा है और कैसे दिख रहा है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा और बने रहे मेरे साथ वीडियो में। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अंदर। देख सकते हो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गालीबाड़ी चौक पे और यहाँ पे रोड को कुछ इस टाइप का सजा दिया गया है अभी से, अभी जबकि गणेश महाराज जी का विराजमान हुआ नहीं है अभी और स्टार्टिंग नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हो गणेश पंडाल का मतलब तैयारियाँ चल रहा है, अभी दो चार दिन में स्टार्ट हो ही जाएगा और अच्छे से बन जाएगा ये। तो अभी थोड़ा बहुत बना हुआ है तो मैं आपको दिखाने आ गई हूँ। और ये गणेश पंडाल बन रहा है टाइटैनिक स्टाइल में, तो ये देख सकते हो यहाँ पे लंबा सा जहाज टाइप का दिख रहा है और यहाँ बाहर से कुछ इस टाइप का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं अंदर से। पंडाल को बनने में कितना वक्त और कैसे इसका कंसेप्ट आया है तो आइए जानते हैं। कितना वक्त लगा है पंडाल को तैयार होने में? पंडाल तो यार आज कम से कम 1 महीना हो गया और 3-4 दिन बचा है और 20 आदमी है मेरा पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर आ गई है और बेचारे पंचू जी को परेशान कर रही है, तो बेचारे नर्वस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए उनसे क्वेश्चंस कर रही है। जो आइडिया है बहुत ही अलग है, तो ये आइडिया तो मेरी गुरु से सीखा है। 5-15 साल से अब तो 7-65 साल उम्र हो गया यही काम करते रहे। अब बाकी लोग तो सब कोई काम ही नहीं करते हैं, टेंट हाउस का काम का गणेश का कोई आगे लगा सब सिस्टम में बड़ा बड़ा पंडित नहीं लगा। सामान जो लगा है बाँस रस्सी प्लाईवुड शीला और टेंट भी हो रहा है, अभी कंपनी नहीं हुआ है, होगा 4 दिन कामगार हो जाएगा। तो लंबाई कम से कम 125 होगा और चौड़ाई से कम नहीं है। इसका पीछे गणेश जी बैठेगा, जाने का रास्ता एक तरफ से निकलने का रास्ता है। कितने व्यक्तियों ने आपका सहयोग किया है साथ में बनाने? हाँ मेरे साथ अभी 20 आदमी है मेरे को जितना मेरे को सहयोग किया। यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा जहाज है और कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे लगा हुआ ऊपर में देख सकते हो झंडा लहरा रहा है जो अभी लहरा दो वाला सिस्टम चालू हुआ था उस टाइप का। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का मतलब नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो कालीबाड़ी चौक आ सकते हो और जैसे गणेश चतुर्थी आती है तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि किस टाइप का नज़ारा रहता है। अभी तक तो मैं इतना ही दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आगे का नज़ारा दिखाऊँगी आपको गणेश चतुर्थी के बाद। मतलब आधा बना हुआ है और ये बनने ही वाला जस्ट 2-4 दिन में बन ही जाएगा। और इसका लगभग जो कॉस्ट है बहुत ही कॉस्टली है, ये 20 लाख रुपीस समथिंग लग चुका है यहाँ पे। और ये देखिए अभी इस टाइप का मतलब स्टार्टिंग में अभी बना हुआ है और अंदर उधर काम चल रहा है यहाँ पे, तो आगे मैं इसको दिखाऊंगी आप लोग को। तो अभी मैं इतना ही दिखाऊंगी और इतना ही बना हुआ है, आगे कुछ रेडी नहीं हुआ है, 2-3 दिन में रेडी हो जाएगा। तो अभी के लिए तो इतना ही, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग को बाद में। कितना बड़ा और टाइटैनिक वाला जहाज बन रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइस और आगे बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। और अभी चलते हैं अपन घर, तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।